वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में पार्लिमानी अमूर और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में गवादर धरने समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पार्लिमानी अमूर और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर। जी बिल्कुल, देखिए वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हैं उनको आज मुलाकात के लिए बुलाया गया था और चेयरमैन सेनेट ने फौरी तौर पर जब वजीर आजम का पैगाम उन्हें मौसूल हुआ तो वो वजीर आजम ऑफिस पहुंचे और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात में जो बलोचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत की गई। मुलाकात में गवादर की जो रैली है उस समय दीगर जो अमूर है उन पर भी बातचीत की गई है। जो गवादर में इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं और अपना हक लेने के लिए जो वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से उसके ऊपर चेयरमैन सेनेट की जानिब से आगाह भी किया गया और चेयरमैन सेनेट ने बताया कि उनकी भी जो मुलाकातें हुई वजीर आला बलोचिस्तान के साथ और किस तरह से अब बलोचिस्तान के जो मामलात हैं उनको सेट किया जा रहा है और जो मुजाहरीन है जिनके जो मुतालबात थे उनमें से चेयरमैन सेनेट ने वजीर आजम को आगाह किया कि कमो पेश जो उनके 17 के करीब अगर मुतालबात है तो उनमें से 14 या 15 मुतालबात जो है वो माने जा चुके हैं और उनके ऊपर अब काम शुरू भी हो चुका है। इन चेयरमैन सेनेट की जानिब से कहा गया कि जल्द जो एहतजाज है वो खत्म भी कर दिया जाएगा। इसी तरह से वजीर आजम ने भी चेयरमैन सेनेट से मजीद अपनी जो मदाखलत है उसको जारी रखने का कहा और उन्होंने कहा कि अपना इन्फ्लुएंस जारी रखें और एहतजाज जो है फौरी तौर पर खत्म करें और बलोचिस्तान की जो महरूमी है उनसे बाखूबी आगाह है वजीर आजम इमरान खान खुद भी और चेयरमैन सेनेट को भी कहा गया कि आप दीगर भी जो चीजें हैं उनको तमाम चीजों को ठीक करें और इस हवाले से अगर कोई हुक्म देना है या कोई मजीद एहकाम जारी करने हैं तो वो भी जारी करने के लिए तैयार है और बलोचिस्तान की जो महरूमी है उनको खत्म किया जाए। जी जी यासिर बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।